हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत की सेंट्रल बैंक है। इसे सेंट्रल बैंक मतलब जो सब बैंक्स को जो कंट्रोल करती है वो सेंट्रल बैंक्स होती है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है इंडियन रुपीस की। इसके अलावा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी होगी। RBI जो है वो इस्टेब्लिश हुई है 1 अप्रैल 1935 में और इसका जो RBI एक्ट है वो बना था 1934 में। और जो सबसे पहले इसके लिए रिकमेंड किया गया था वो था 1926 में। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कब इस्टेब्लिश हुई थी RBI, तो उसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 और RBI एक्ट है 1934। और कब सेटअप हुई थी तो 1926। ओके, और अगर ये पूछा जाए कि किस रिकमेंडेशन के ऊपर ये सेटअप किया गया था RBI को, तो वो था हिल्टन यंग कमीशन। ओके, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हेड ऑफिस जो है रिजर्व बैंक का वो पहले कोलकाता में था, जिसको पहले की कलकत्ता कहा जाता था, पर वो 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो करंट जो हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक का वो मुंबई में है, पर सबसे पहले वो कोलकाता में था। ओके, मतलब हेड ऑफिस वो होता है जहाँ पर गवर्नर बैठा है और जहाँ से ये सब पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती है। और RBI जो है वो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी और वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद 1 जनवरी 1949 को RBI नेशनलाइज हुई है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि RBI कब नेशनलाइज हुई, तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1949। RBI के टोटल 21 रीजनल ऑफिसेस है और 11 सब ऑफिसेस है। इसके अलावा 4 जोन है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के लिए, मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। और जो इंडियन मनी मार्केट है उसके लिए एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है RBI। इंडियन मनी मार्केट के ऊपर भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। जो RBI का एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो गवर्नर होता है, जो कि अभी शक्तिकांत दास है और वो भारत के 25th गवर्नर है। इसके अलावा 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं और ये जो 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं वो हर किसी जोन के लिए एक एक होता है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ के लिए, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सबके लिए एक एक डिप्यूटी गवर्नर होता है। इसके अलावा RBI में जो नए ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए RBI के 2 ट्रेनिंग के कॉलेजेस है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज जो कि चेन्नई में है और उसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग वो पुणे में है।
ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस आरबीआई के द्वारा रन की जाती है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट एनआईबीएम, जो कि पुणे में है और ये सेटअप हुआ है 1969 में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च, मुंबई में है, ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में है। ये तीन इंस्टीट्यूशंस जो है वो आरबीआई के अंडर चलते हैं और ये 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिए। इसके अलावा जो आरबीआई के गवर्नर से उनकी अगर बात की जाए तो ऑस्टबोर्न स्मिथ जो है वो सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया थी तब, और इंडिपेंडेंस के बाद सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर बने थे। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, तो वो था ऑस्टबोर्न स्मिथ। और अगर इंडियन गवर्नर फर्स्ट कौन था ये पूछा जाए तो सीडी देशमुख। ओके, और जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है आरबीआई के, ये बेनेगल रामा राव, इन्होंने करीब करीब 7.5 साल तक आरबीआई का कारोबार संभाला है। और सबसे कम पीरियड के लिए अगर कोई बना है तो वो है अमिताभ घोष, सिर्फ 20 दिन के लिए। ओके, और जो 15th गवर्नर थे आरबीआई के मनमोहन सिंह, वो भारत के पीएम बने थे, जिन्हें कि आप सब जानते ही होंगे, ये 13 पीएम थे भारत के। और अभी जो है करंट शशिकांता दास, ये 25th आरबीआई गवर्नर है, जो कि 12th दिसंबर 2018 से अभी है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो वो है उर्जित पटेल। अभी है जो है वो आईएमएफ, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और एशियन क्लियरिंग यूनियन, इन दोनों का मेंबर है। अब आरबीआई के कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह होती है वो सब आरबीआई के द्वारा ही पेश की जाती है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है भारत का, उसके लिए रेगुलेटर है आरबीआई, और उन सबको ऊपर सुपरवाइज भी करती है। और जो पेमेंट सिस्टम से, मतलब NEFT, RTGS, IMPS एट्सेट्रा, उन सब के ऊपर भी रेगुलेटर जो है वो आरबीआई ही है। हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाइए, आप वॉइस को ऊपर फोकस कीजिए। और जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनके लिए भी सब बैंकर और डेप मैनेजर आरबीआई ही है। इश्यू ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी जो होती है भारत की इंडियन रुपीस, उसको इश्यू करने का काम भी आरबीआई करती है। बैंकर्स बैंक, मतलब जितने भी बैंक्स होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल हो, शेड्यूल हो, कमर्शियल हो वगैरह, कोऑपरेटिव हो, वो सब बैंक्स जो है वो आरबीआई के अंडर आते हैं। और बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है आरबीआई। और कुछ फेक करेंसी वगैरह, उसको डिटेक्ट करने का काम भी आरबीआई करती है। और जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका कस्टोडियन मार्केट भी आरबीआई से। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
आरबीआई में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं। एक होता है गवर्नर, चार डेप्यूटी गवर्नर, दो फिनांस मिनिस्ट्री से आते हैं, और 10 जो होते हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं। उसके अलावा चार मेंबर जो है वो लोकल बोर्ड्स के होते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, और इन सब लोकल बोर्ड्स में पांच पांच मेंबर्स होते हैं। ओके, आरबीआई की टोटल तीन सब्सिडियरीज है। इनमें से पहला है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 15 जुलाई 1978 को, और डीआईसीजीसी एक्ट के अंडर, जो कि 1961 है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बैंक्स में जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये 1 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। एनएचबी, सेकंड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, ये 9 जुलाई 1988 को इस्टेब्लिश हुई थी, एनएचबी एक्ट 1987 के अंडर। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये हाउसिंग के लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ओके, याद रखिए। और तीसरी सब्सिडियरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यह 3 फरवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुई थी। ये जो बैंक नोट्स है वो बनाती है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और दो नोट प्रेसेस इसके अंडर आते हैं, मिसोर और सालबोनी। इसके अलावा जो दो नोट प्रेसेस है, मतलब नासिक और देवास, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ओके, अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी मेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है। प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए ये मददगार होती है। आरबीआई इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उसके बारे में अब अभी हम बात करने वाले हैं। जो मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी की वो एक साल में कम से कम 4 बार होती है, और इसमें 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी में, जिसमें से 3 आरबीआई के ऑफिशियल होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेट किए हुए मेंबर्स होते हैं। ये सब आप याद रखिए। जो क्वांटिटेटिव टूल्स है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेपो रेट। ये जो रेपो रेट होता है ये बाकी के जितने भी पॉलिसी रेट्स है उसके ऊपर होता है, मतलब रेपो रेट अगर कम ज़्यादा होता है तो बाकी के भी पॉलिसी रेपो रेट्स जो है वो कम ज़्यादा होते हैं। और कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। रेपो रेट क्या होता है कि जिससे जो कि बैंक से वो आरबीआई से मनी लेंड करती है, और आरबीआई से मनी लेंड करने के बाद उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके ऊपर, वो होता है रेपो रेट। और इसका ड्यूरेशन होता है 0 to 90 days। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसमें मिनिमम 5 करोड़ तक का अमाउंट जो है वो लेना पड़ता है बैंक को, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है। और जितने भी क्लाइंट्स हैं आरबीआई के, बैंक्स हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, एनबीएफसी हो, वो सब के लिए ये रेट लागू होता है। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो इससे उल्टा होता है,
मतलब बैंक के पास अगर पैसा ज़्यादा हो जाए तो वो सेंट्रल बैंक को देते हैं, तो सेंट्रल बैंक्स बोरो करती है इस रेट से पैसा जो बैंक से उनसे। तो अभी जो फिलहाल जो रेपो रेट है वो है 6.25 और रिवर्स रेपो रेट है 6, और ये रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से 0.25 से कम होता है। ओके, बैंक रेट जो है वो जो रेपो रेट है उससे 0.25 से ज़्यादा होता है। तो अभी का जो रेपो रेट है वो है सॉरी बैंक रेट वो है 6.5। बैंक रेट क्या होता है कि बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई से लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो लेते हैं, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पैसा उधार लेते हैं बैंक्स आरबीआई से, 90 डेज से लेके 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए, वो बैंक रेट होता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000, 2000 में इंट्रोड्यूस की गई है, और इट इज़ द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय RBI टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू अवेलेबल लिक्विडिटी इफ रिक्वायर्ड। ओके, तो बैंक्स के लिए जब कभी भी पैसा वगैरह चाहिए होता है तो उसके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है RBI ने बैंक्स के लिए। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं उनको जो उनके पूरे NDTL, NDTL मीन्स नेट डिमांड टाइम लियाबिलिटीज, मतलब बैंक का पूरा टोटल पैसा जो होता है उसका कुछ परसेंट जो होता है वो उन्हें RBI के पास रखना पड़ता है, और वो भी कैश में रखना पड़ता है। ओके, तो उस रेट को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR, और ये जो CRR है वो सेक्शन 42(1) में इसको रखा गया है RBI के एक्ट 1934 में। ओके, और ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो फिलहाल 4% है। SLR जो है वो क्या होता है कि बैंक्स जो है उनको उनके पूरे NDTL का कुछ परसेंट गोल्ड कैश या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना अनिवार्य है, वो होता है SLR, और अभी 9.25% है SLR, और ये आता है सेक्शन 24(2)(a) में, RBI एक्ट 1934 में। MSF जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है 9 मई 2011 को, और ये सिर्फ जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से उनके लिए ही होता है। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से वो 1 करोड़ का मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है, उतना पैसा सिर्फ एक दिन के लिए उधार ले सकते हैं RBI से, और ये भी जो रेपो रेट होता है उससे 0.25 से ज़्यादा होता है। फिलहाल ये 6.5 है, और जो टोटल NDTL है बैंक्स का उसका सिर्फ 1% ही है ले सकते हैं, और सिर्फ एक दिन के लिए, मिनिमम 1 करोड़ और उसके बाद 1 करोड़ के मल्टीपल्स में। ओके, और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, याद रखिए। नेक्स्ट टर्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जिसमें
मनी सप्लाई किया जा सकता है, उसकी जो एक्टिविटी है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओके, और ये जो MSF है वो जब बैंक लेती है तब उनको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, मतलब SLR में जो अमाउंट होता है बैंक का, वो उनको रखना अनिवार्य होता है, मेंटेन करना। पर अगर बैंक के पास मतलब पैसा ही ना हो तो वो SLR जो होता है उनका, वो RBI के पास गिरवी रखकर पैसा ले सकते हैं उधार, सिर्फ एक दिन के लिए। ओके, वो MSF होता है। इसके अलावा कुछ क्वालिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। ये तीन टूल्स है, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं आमतौर पर, तो इसके लिए इसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो फिर आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप स्टडी शार्प 360 को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारे आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।